अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चिलास में, फेरी मेडोज़ के लिए जा रहे हैं। ऊपर 2 से 2.5 घंटे की जीप है, उसके बाद 4 से 5 घंटे का यहाँ पर ट्रैक है। 2018 में किया था और अब 2021 में कर रहा हूँ। देखते हैं कि फ़िटनेस और हमारी हेल्थ कैसी है कि 4-5 घंटे का ट्रैक कर पाते हैं नहीं। और अभी हम जीप पर बैठने वाले हैं, मोहसिन भी है, असद भी है, मैं भी हूँ। लेट्स गो। कोरोना और कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना कुछ भी इधर नहीं है, नहीं है इधर, मट्टी है, मट्टी आता है। हाँ जी, तो ये एक पॉइंट आता है बीच में, टट्टू पता नहीं क्या नाम है, वहाँ पहुँच गए हम लोग। और अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है असद भाई? अब जो है हम ट्रैक करेंगे, ठीक है, पैदल चल के जाएंगे इंशाल्लाह। पुरानी यादें आ गई यहाँ पर वापस से। हाँ भाई मोहसिन भाई, क्या सीन है? सीन ये है कि भाई हम 0 पॉइंट पहुँच चुके हैं, 0.2 ये नांगा पर्वत नहीं, फेरी मेडोज़, फेरी मेडोज़ 0.2 फेरी मेडोज़। जब आए तो यहाँ बूंदाबांदी हो रही थी, टाइट मुझे लगा कि बारिश हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं, जो डर गया वो पहुँच गया। और ये देखिए भाई, हमारा पूरा ग्रुप है, ये भी आ गया आहिस्ता आहिस्ता। सीन ये है कि भाई हम ट्रैक पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने घोड़ा करवा लिया, हम घोड़े पे बैठ के जाएंगे सुकून से, सही है ना? आपको भी मजे कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप छुप जाएं। टॉस हो रहा है, टॉस क्या हो रहा है असद, क्या हो रहा है भाई? टॉस हो रहा है और जिसका जो है फिर नाम आता है उसका घोड़ा जाता है, तो ये वाला सीन है। और जीप के अंदर भी यही सिस्टम होता है, इधर ही बैठो, ये उठा लिया तो ये तुम्हारा है भाई, ये मैंने उठा लिया था तो ये मेरा घोड़ा हो गया। अबे तो लेके तो जा, इसका क्या करूंगा, तुम चला के लेके जाओगे है भाई, हल्के हल्के। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो मोहसिन भाई, घोड़े पे बैठ के जाना भैया, हमारे साथ ही आ रहे हैं पीछे, और सामने दिख रहा है हमें द माइटी नांगा पर्वत। चेक करें आप, ओ ये पहुंच गए भाई फेरी मेडोज है भाई, 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद है भाई। क्यों झूठ बोल रहे हो, ट्रैकिंग तो की है लेकिन घोड़े नहीं किए। हमारी नजर आज थोड़ा सांस को सेट करके वॉशरूम जाके फिर आपसे बात करते हैं, देखते हैं कि बॉन फायर में मिलेंगे। बॉन फायर में भाई, इस वक्त हम लोग खेल रहे हैं डमशराट, और ये मुझे मूवी बताने जा रहे हैं। बताओ बताओ नहीं, इंग्लिश थोड़ी है, नहीं नहीं वो चौशन रिडेम्पशन बताई थी। हिंदी दो वर्ड है, बारिश का खतरा, जादू, गिरने शबरम, ठीक है, पसीना, मासी वाले शबरम मौसी। रस्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमी। Ooh, 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 ooh
सुबह हो गई मामू, हम लोग जा रहे हैं रिफ्लेक्शन लेक ऊपर जो है, समझ रहे ना, वहाँ जाके झंडे वंडे क्या है, क्या सीन है वहाँ पे। हमें अपने वहाँ पे ना हमारी टीम पहले चली गई अपने झंडे गाड़ने, पता नहीं वो भी 100 झंडे लेके, 100 झंडे क्या उगाड़े, झाड़ बंदे 100 झंडे झंडे वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं उसको कवर करेंगे, और कोई एक्सरसाइज है फिर, क्रिकेट मैच है, क्रिकेट तो आप क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। ओ भाई दिस इज वेरी स्ट्रीट यू नो, वेरी स्ट्रीट या ओहो। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बोला था जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर है। अब ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूँगा यार, ठीक है ना। हाँ तुम बोल दो, बोलो बोलो यार। ऊपर चढ़ते ही ऐसा मंदिर है जैसे विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर नहीं था वो वाला, बहुत अच्छा। बिल्कुल भी फेक नहीं लगा ये तो। यार यहाँ 2018 में आया था मैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही ना वो ये कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया यार, इसकी वजह से ना मतलब खूबसूरती में ना कमी आती। अब आप देख सकते हैं वो सामने नांगा पर्वत है जाइंट, और ये पूरा एरिया खाली होता था, ये रिफ्लेक्शन लेक है। एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर सिग्नल आ गए हैं, ख़ास तौर पर अगर एसकॉम किसी में आपके पास तो 4G भी चलेगा इंटरनेट, जो कि बहुत ज़रूरी है भाई। पहले कुछ नहीं था, एक पॉइंट था, वहाँ जाकर हाथ ऊपर नीचे करो तो कहीं सिग्नल आते थे तो घर से बात करो। हम आगे गए थे बहुत, वहाँ पे हमने PCO से घर पे बताया था। अभी ये है कि अलहमदिल्ला मोबाइल जेब में, फ़ोन आता है बात कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अगर एसकॉम की सिम है तो 4G भी आप चला सकते हैं, तो ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट है भाई। भाई आप पीछे देख सकते हैं पूरी बाउंड्री बना ली है, यहाँ पर हमारा मेन इवेंट होने जा रहा है, क्रिकेट भी खेलेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। सामने नांगा पर्वत है और यहाँ क्रिकेट होगी, मज़ा आने वाला है। तो गाइज दिस इज अ प्लेस जहाँ पर हमारा इवेंट होने जा रहा है, आप देख सकते हैं हमारे प्लेयर्स रेडी हैं, और हमने वुमेन क्रिकेट का भी इंतजाम किया है, और हमने सिलसिला इस तरह से किया कि हर टीम में तकरीबन 2-3 वुमेन हमारे साथ होंगी, और वो मैन के साथ एक टीम बना के मर्ज करके खेलेंगी। हर वुमेन को एक ओवर और एक बार बैटिंग में भेजना लाजमी है। तो दिस इज द रूल, फिटनेस सेशन चल रहा है भाई, पीछे आप लोग देख सकते हैं। और ये मैंने अभी तक जितने भी ट्रैवल किया है ग्रुप्स के साथ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि ट्रियो ट्रैवल्स ने बड़ा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज कराया है कि पीछे नांगा पर्वत है, यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है और इसके बाद हम खेलेंगे क्रिकेट। तो भाई टॉस हो गया है और आपका भाई ओपनर जा रहा है। तो भाई छक्के चौके पिन्नी। चार रन बना के हम आउट हो गए हैं, इट सही नहीं है असल में, वरना तो ये सीधा जो नांगा पर्वत आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, वहाँ टिप्पा खा गया था। काशन ने बेहतरीन ओवर किया, एक विकेट भी लिया, सिर्फ एक बाउंडरी आ गई थी, बहुत गलत हो गया। ओके नांगा पर्वत, अल्लाह हाफिज, सी यू अगेन। काली काली सुल्फों के धंधे न डालो, काली काली सुल्फों के धंधे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। कराची वापस जा रहा हूँ और अपने साथ नए दोस्त और बहुत सी यादें लिए जा रहा हूँ,
और इन सब का क्रेडिट जाता है ट्रियो ट्रैवल्स को, जिन्होंने इस सफर को इतना यादगार बना दिया। सदावार करते हो तेरे जफा का, पहाड़